राजधानी के अवधपुरी इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी सास और साले के गले से चाकू से हमला कर दिया और इस हमले में साले की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सास की हालत गंभीर बनी हुई है। सास और साला दामाद को उसके घर समझाने पहुंचे थे। सास को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें यह था कि एक व्यक्ति ने एक और व्यक्ति और एक महिला को चाकू से मारा है और स्टैब के वुंड्स हैं, जिसके कारण बाद में जाकर उस व्यक्ति की मौत भी हो गई। तो मामला यह था कि पति पत्नी के विवाद का मामला था, जिसको सुलझाने के लिए उसके साले और उनकी जो सास हैं वो आए थे, और ये मामला इनके जो विवाद है आपसी का, ये काफ़ी समय से चल ही रहा था। तो इसी के चलते इस विवाद के दौरान इनमें हाथापाई हुई और जो जो आरोपी है, फिर जिसको हमने पकड़ा है, उसने चाकू से अपनी ससुर और अपनी सास और अपने साले को इंजर किया है, जिसके बाद साले की मृत्यु हो गई अस्पताल में जाने के बाद। तो इसमें हमने 307 धारा कायम करी थी पहले, जिसको बाद में इसमें 302 का इजाफा किया गया है।